हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर रेसिपी विद पीवी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दही बड़ा बनाने की रेसिपी। दही बड़ा बनाना बहुत इजी है और इसे बनाने में बहुत कम मेहनत है, तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। दही बड़ा का वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप उड़द का दाल लिया है और रात को मैंने इसे भिगो कर रखा था। अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे और 1 चम्मच जीरा ऐड कर देंगे और इसे अब अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो बैटर है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो हम इसे 5 मिनट तक लगातार इस प्रकार से मिक्स करते रहेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे बैटर जो है बिल्कुल स्मूथ हो गया है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल फ्लफी हो गया है। अब हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। दस मिनट हो गया है तो अब हम बड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन को गर्म किया है ऑयल डाल के। ऑयल बिल्कुल मीडियम गर्म है, ज़्यादा हाई गर्म ना रखें। उसके बाद अब हम इसे बड़ा बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे साइज़ में थोड़ा छोटा छोटा बड़ा बना रही हूँ, आप चाहें तो साइज़ में बड़ा भी कर सकते हैं। अब हम इसे गोल्डन कलर का होने तक फ्राई करेंगे। तो हम इसे अच्छे से पलट पलट कर फ्राई कर लेंगे ताकि बिल्कुल अंदर तक ये अच्छे से पक जाए। अब देखेंगे कि थोड़ा गोल्डन हो गया है तो हम इसे और थोड़ा गोल्डन कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल अब अच्छे से गोल्डन कलर का हो गया है तो अब हम इसे निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे बड़े जो हैं उसे अच्छे से तल लिए हैं। अब एक बाउल में 1 कप हल्का गर्म पानी लेंगे और उसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे और जितने भी बड़े हैं हम इसमें डाल देंगे ताकि बड़े जो हैं वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद अब हम इसे कवर कर 10 मिनट के लिए इसी प्रकार से रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, कलर में भी चेंज आ गया है, आप देख सकते हैं। अब हम बड़े को पानी से निकाल देंगे। तो थोड़ा सा प्रेस करें और पानी निकाल लें सारा बड़े से। यहाँ पे मैंने पानी से सारे बड़े निकाल लिए। अब 2 कप दही लेंगे और उसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से फेंट लेंगे ताकि बिल्कुल स्मूथ सा हो जाए। दही को हमें बिल्कुल स्मूथ बनाना है तो अच्छे से फेंट लेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच शक्कर डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस प्रकार से। दही जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब चलते हैं सर्विंग प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने टमाटो केचप लिया है, भुना हुआ जीरा पाउडर है, ग्रीन चिल्ली सॉस है, लाल मिर्च पाउडर है और धनिया पत्ती है। अब हम एक प्लेट में बड़े डाल देंगे जितना एक प्लेट हमें सर्व करना है। इसके बाद अब हम इसमें के ऊपर दही ऐड कर देंगे। दही थोड़ा ज़्यादा डालें ताकि बड़ा जो है बिल्कुल अच्छे से दही में डूब जाए। इसके बाद अब हम इसमें 1 चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच टोमेटो केचप ऐड कर देंगे और 1 चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस ऐड कर देंगे। उसके बाद कटा हुआ धनिया पत्ती ऐड कर देंगे। अगर आपको सेव पसंद हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, मैं इसमें थोड़ा सा सेव भी ऐड कर दूंगी। अब दही बड़ा जो है बिल्कुल रेडी है और ये खाने में बहुत टेस्टी है, आप ट्राई ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल बटन हिट कर दीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।